हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो आज हम मैथमेटिक्स का मैक्रो लेसन प्लान 41 डिस्कस करेंगे सो so, जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं जैसे कि सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है टॉपिक आज हमने सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिया है और ये क्लास एथ का टॉपिक है डेट आप वही फ़िल करेंगे जिस भी डेट में आप बच्चों को ये लेसन प्लान समझा रहे हो या पढ़ा रहे हो देन आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स सो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं यानी कि अगर हम बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो हमारे उन्हें पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए सो so, अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो उनमें एटीट्यूड वैल्यू एथिक्स डेवलप होंगे वो मैथामेटिक्स को पढ़कर ढंग से कुछ एक्टिविटीज कर पाएंगे जिनसे उनकी लर्निंग भी एक्टिव होगी वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कोई भी मैथामेटिक्स को सीख कर अपनी डेली लाइफ ईजी जो कैलकुलेशन होती है उसे कर सकते हैं सो so, ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं देन आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। सो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं यानी कि अगर हम बच्चों को टॉपिक सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पढ़ा रहे हैं तो उसे पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो बच्चे नॉलेज एक्वायर करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वो उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और क्वेश्चन उससे रिलेटेड सोल्व कर पाएंगे सो so, ये जो भी टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं ये सभी हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आते हैं देन आते हैं प्रीवियस सॉरी मटीरियल एड सो ये चॉक डस्टर पॉइंटर चार्ट रोलर बोर्ड एक्सेट्रा ये सब प्यूपल टीचर के लिए होता है इनकी हेल्प से वो बच्चों को लेसन प्लान समझाते हैं देन प्रीवियस नॉलेज सो स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट सिलेंडर तो अगर हम बच्चों को सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टॉपिक है जो हमारा वो पढ़ा रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उन्हें सिलेंडर के बारे में तो प्रीवियस पता ही होगा देन आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन सो जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने का हमारा मेन एम होता है वो ये है कि हम बच्चों को बच्चों का डेवलप इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ टूवर्ड्स टॉपिक सो इनके लिए हमारे दो कॉलम बनते हैं प्यूपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी सो जो हमारे इंट्रोडक्ट्री क्वेश्चन होते हैं वो जिक्जेक्ट पैटर्न में फॉलो होते हैं यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर होगा वही नेक्स्ट क्वेश्चन उससे ही रिलेट करके हम पूछेंगे फिर जो उसका आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो उस तरह हम उन्हें अपने टॉपिक पे ले आएंगे सो so, इससे बच्चों में क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं देन क्वेश्चन फर्स्ट इज वट आर द थिंग्स डू यू टेक टू स्कूल सो आप क्या क्या चीज़ें अपने साथ स्कूल में ले जाते हैं सो बैग वाटर बॉटल लंच बॉक्स बुक्स एक्सेट्रा

हमें कुछ टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं जब हम भी कोई लेसन प्लान पढ़ा रहे होते हैं सो so, उसमें फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्योंकि हमने लास्ट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन अपना यहीं से छोड़ा था सो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज अबाउट सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर देन पीपल टीचर एक्टिविटी का नेक्स्ट कॉलम बनेगा जिसमें पीपल टीचर सबसे पहले डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेगा सो so, ये डेवलपिंग स्टेज पर पूछे जाते हैं क्वेश्चन और ये मेन टॉपिक से रिलेट करके पूछे जाते हैं देन हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी का जिसमें प्यूपल टीचर जो भी क्वेश्चन पूछता है उसके आंसर्स लिखे जाते हैं बच्चों जो देते हैं देन आएगा हमारा टीचिंग मैथड या टेक्निक जो भी हम यूज करते हैं प्यूपल टीचर वो आएगी यहाँ पे और फिर आता है लास्ट में इवेल्यूशन कॉलम सो ये सबसे लास्ट में इवेल्यूशन क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से सो क्वेश्चन फर्स्ट इज हाउ मेनी फेसज डज अ सिलेंडर हैव तो बच्चे बता देंगे इट हैज थ्री फेजेस देन क्वेश्चन सेकंड इज वट इज द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा देन जो हमारा टीचिंग मेथड है क्वेश्चनिंग टेक्निक है क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चन पूछे हैं सो so, जब भी हमारा प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाए तो हम प्यूपल टीचर स्टेटमेंट में बच्चों को अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे सो द सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज द एरिया ऑक्यूपाइड बाई स थ्री डी स्पेयर थ्री डी स्पेस सो जो भी सर्फेस एरिया होता है सिलेंडर का वो एरिया ऑक्यूपाइड क्या होता है उसके सर्फेस ने किसी भी थ्री डी स्पेस में स्पेस में फर्स्ट so so है सो इट इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ एनी गिडर फॉर्मूलावल टू द समय इट स्पेसिस तो जितने भी उसके बेसिस होते हैं उनके सम उनके एरिया के सम के बराबर टोटल सरफेस एरिया होता है सो so इसका भी फॉर्मुला गिवन है टी एस सी इक्वल्स टू टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वा इसे हम शोर्ट में टू पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर बी लिखते हैं देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आएगा स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली देन हमारा जो टीचिंग मैथड है वो एक्सप्लेनेशन मैथड है क्योंकि प्यूपल टीचर ने अब अपना जो टीचिंग पॉइंट है वो एक्सप्लेन किया है फिर आता है डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक सो क्या होता है कि जब भी प्यूपल टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ाने जाता है बच्चों को तो वो कुछ चार्ट पेपर की हेल्प से या मॉडल या कोई रियल ऑब्जेक्ट दिखा के बच्चों को विजुअलाइज कराता है तो उससे बच्चों में बेटर अंडरस्टैंडिंग आ पाती है अब जैसे हमने यहाँ पे एक चार्ट पेपर दिखाया होगा तो उसका एक मिनीचर यहाँ पे लगाना होता है तो इसमें सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताया गया है जिसमें एक डायग्राम बनाया गया है तो बच्चे यहाँ से अच्छे से विजुअलाइज करेंगे और फिर समझ पाएंगे कि रेडियस क्या होती है बेस क्या होता है हाइट क्या होती है सो so बच्चों में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है देन इवेल्युएशन क्वेश्चन सो ये सबसे लास्ट में पूछा जाता है टीचिंग पॉइंट के सो so इससे क्या होता है हम बच्चों को इवेल्युएट कर पाते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं सो क्वेश्चन इज वॉट इज टोटल सर्वेस एरिया ऑफ सिलेंडर देन आता है हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेंडर सो स्टूडेंट्स विल भी एबल टू अंडरस्टैंड अब दी प्रॉपर्ट ऑफ सिलेंडर देन अगेन हमारे सेम सारे कॉलन वैसे ही बनेंगे जो हमारे प्रीवियस टीचिंग पॉइंट में बने थे सो क्वेश्चन फर्स्ट इज वट इज द फॉर्मुला ऑफ करव सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सो स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आएगा सीएससी इक्वल्स टू टू पाईआर स्वयर यूनिट्स देन क्वेश्चन सेकंड इज वट आर द प्रॉर्टीज ऑफ सिलेंडर सो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा क्योंकि बच्चे इसका आंसर न दे पाएंगे सो टीचिंग मेथड और यार फिर टेक्निक है क्वेश्चनिंग टेक्निक क्योंकि पीपल टीचर ने हाँ पे Then, pupil teacher यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों से देन पीपल टीचर स्टेटमेंट में ये यहां पे बच्चों को अब पीपल टीचर एक्सप्लेन करेगा अपना टीचिंग पॉइंट सो इसमें कुछ उसके प्रॉपर्टीज बताई गई हैं आप कुछ डिफरेंट भी लिख सकते हैं या कोई और प्रॉपर्टी एड कर सकते हैं इसमें देन जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी है सो स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक देन जो ये टीचिंग एक्सप्लेनेशन मैथड है क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लेन किया है अपना टीचिंग पॉइंट देन आता है इवेल्युएशन क्वेश्चन सो इज द बेसिस ऑफ सिलेंडर आर ऑलवेज पेडल तो ये हमने शायद अपनी प्रॉपर्टीज में बताया है तो बच्चे यहाँ से अब आराम से इसको बता पाएंगे आंसर कर देंगे देन आता है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट जो कि है आइडियल क्वेश्चन सो so, क्या होता है जब भी हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो उसमें जो भी हम टॉपिक पढ़ाते होते हैं तो उसके लास्ट में जरूर एक्सरसाइज में क्वेश्चन तो दिए रहते हैं मैथ्स में तो प्यूपल टीचर पहले अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे सो क्वेश्चन इज फाइन द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ कंटेनर इन सिलेंडर सिलेंड्रिकल शेप हुज डायमीटर इज ट्वेंटी एट सेंटीमीटर एंड हाइट इज फिफ्टीन सेंटीमीटर सो डायमीटर दिया गया है तो उससे पहले हम रेडियस निकाल लेंगे उसके बाद हम टोटल सर्फेस एरिया में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज फाइव सेंटीमीटर एंड हाइट इज फिफ्टीन सेंटीमीटर सो हम ये यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मल में पुट करके टू एच डायरेक्ट अपना आंसर निकाल सकते हैं सो so, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आएगा कि बच्चे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और अपना काम बच्चे ध्यान से ब्लैक बोर्ड से उतारेंगे और जो टीचिंग मेथड ये डिडक्टिव मेथड है क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को क्वेश्चन कराए हैं देन हमारा लास्ट टीचिंग पॉइंट आता है प्रैक्टिस क्वेश्चन सो इसमें क्या होता है मैथामेटिक्स में जब भी हम प्यूपल टीचर खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देंगे तो वो ये समझ सकते हैं कि बच्चे समझ ही गए होंगे जो भी उन्होंने पढ़ाया है तो वो उन्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे तो उससे क्या होगा बच्चों की कैलकुलेशन इंप्रूव होंगी और मैथामेटिक्स में हमें ज़्यादातर प्रैक्टिस ही करनी होती है सो so, ये कुछ क्वेश्चन प्यूपल टीचर बोर्ड पर लिख देंगे और बच्चे इन्हें करेंगे तो ये क्लास वर्क हो, होता है एक तरह से क्लास होमवर्क यानी क्लास में ही ये चेक किया जाएगा सो so, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी आएगी उसमें बच्चे क्या स्टूडेंट्स विल नॉट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाई सेल्व यानी वो खुद से करेंगे देन आता है हमारा टीचिंग टेक्निक वो है ड्रिल वर्क टेक्निक ड्रिल वर्क का मतलब होता है अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस तो यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस ही कर रहे हैं क्वेश्चन की तो ये आएगा ड्रिल वर्क टेक्निक देन आता है हमारा वैल्यूएशन क्वेश्चन सो फाइंड द टी एस एन टोटल सर्टिस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ रेडियस इज फोर्टीन एंड हाइट इज नाइन नाइन सेंटीमीटर देन लास्ट में आता है हमारा रिकैप्चुलेशन तो रिकैप्चुलेशन एक तरह का रिविजन यानी कि रिकैप होता है जो भी बच्चे आ, को हमने टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं सो so क्वेश्चन ये यहाँ पे दिए गए हैं तो ये फिलअप की फॉर्म में हो सकते हैं ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हो सकते हैं सो so, या कोई छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं सो ये यहाँ से हम बच्चों का रिकैप्चुलेशन यानी कि रिवीजन करा देते हैं देन आता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क सो जो पीपल टीचर ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी करता है ड्यूरिंग जब वो लेसन प्लान पढ़ा रहे होते हैं सो वो यहाँ पे एक मीनिएचर उसका लगाते हैं देन आता है होमवर्क सो होमवर्क एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है लेसन प्लान में क्योंकि प्यूपल टीचर बच्चों को होमवर्क देते हैं और वो नेक्स्ट डे आगे उनका चेक भी करते हैं होमवर्क सो ये कुछ क्वेश्चन है होमवर्क के सो so, यहाँ पे हमारा लेसन प्लान खत्म होता है इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू